Hello viewers, don't press print. New Windows 10 bug can crash your computer. A bug in the latest update to Windows 10 could result in the famous blue screen of death when you attempt to print from your PC. कोई ऐसा बग आया है जिसकी वजह से लेटेस्ट न्यू विंडोज 10 में जैसे ही आप प्रिंटिंग के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो आपकी स्क्रीन ब्लू हो जाती है और पीसी क्रैश होने का डर है। द KB500802 सिक्योरिटी पैच वॉज रिलीज फॉर विंडोज 10 अर्लियर दिस वीक। माइक्रोसॉफ्ट नाउ एडमिट दैट आस्किंग द कंप्यूटर टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट और फोटो कुड क्रैश द कंप्यूटर। इस बात को माइक्रोसॉफ्ट ने भी माना और उसने सिक्योरिटी पैच एक हफ्ते पहले दिया है कि आप इसका यूज कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग द अपडेट यू माइट रिसीव एन APC इंडेक्स मिसमैच एरर। अब ये पैच जो है वो जो अपडेट है वो इस तरह की एरर देता है, APC इंडेक्स मिसमैच एरर विद अ ब्लू स्क्रीन व्हेन अटेम्प्टिंग टू प्रिंट टू सर्टेन प्रिंटर इन सम एप्स। माइक्रोसॉफ्ट नोन इशू विद द अपडेट स्टेट। तो ये जो एरर आती है इससे आप जान लीजिए कि आपने उस पैच को डाउनलोड किया है और वो अपडेट आपको नहीं डाउनलोड करना चाहिए था। द कंपनी सेज इट इज इन्वेस्टिगेटिंग द बग एंड विल प्रोवाइड अपडेट विद मोर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। उन्होंने कहा इस बग को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे ही कोई अपडेट मिलता है वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और अवेलेबल कराएंगे। The bug is poorly timed with many people around the world still working from home or homeschooling because of COVID-19 lockdowns, meaning home printers are under great demand than normal. तो क्योंकि COVID-19 वजह से बहुत लोग स्कूल का काम घर में करने लग गए थे, उन्हीं लोगों को ज़्यादा इसने अफेक्ट किया है बनस्पत उन लोगों को जो नॉर्मली यूज़ करते थे क्योंकि उन्होंने अपडेट्स डाला होगा। It's not clear if the printer or apps are affected by the bug, although an employee of printer manufacturer who claimed to have seen multiple instances of the bug. Printer employee ने inform किया कि इस तरह के bug हमने बहुत चीजों बहुत लोगों में पाई है। Avoid the bug. So it is a request to avoid the bug. In this absence of work around, it is probably best to avoid installing the update if you are not already installed it on your system and need to make use of. तो आप लोग से ये request है कि ये जो security patch हमने अभी बताया आपको KB500802 इसको याद कर लीजिए, इसको आप लोग update मत करिए, इसको download मत करिए, इसको install मत करिए और ना ही printer को use करिए अगर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। विंडो 10 प्रोवाइड एन ऑप्शन टू पॉज अपडेट फॉर 7 डेज। उन्होंने कहा आप हमें कम से कम 7 डेज दीजिए इससे हम इस बग को रिजॉल्व करें। इट शुड गिव माइक्रोसॉफ्ट इनफ टाइम टू फिक्स द इशू। एक्टिवेट दिस ऑप्शन, ओपन विंडोज 10 सेटिंग, गो टू अपडेट एंड सिक्योरिटी, देन विंडो अपडेट एंड क्लिक द पॉज अपडेट बटन। उन्होंने एक पॉज अपडेट बटन भी दिया है और आप जा करके अपडेट और सिक्योरिटी में इस अपडेट को पॉज कर सकते हैं। इन दैट सेम मेनू यू कैन व्यू योर अपडेट हिस्ट्री टू सी इफ द KB500802 अपडेट हैज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल ऑन योर पीसी। अगर आपने ऐसे मोड में पीसी को रख रखा होगा कि ऑटोमेटिकली अपडेट होता होगा तो वो आपके उसमें अपडेट हो चुका होगा और अपडेट हो चुका होगा तो प्लीज प्रिंटर मत यूज कीजिए। इफ इट हैज देयर is an opinion to uninstall the update. अगर आप कर चुके हैं by default update तो उसको uninstall कर दीजिए by clicking on link at the top of the view update history page. update history page पे जाकर उस link को delete कर दीजिए, उसको update मत करिए। It is a good idea to make sure you have got a full backup of your PC before uninstalling the update. और ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि आप अपना पूरा बैकअप बना लीजिए बिफोर अनइंस्टॉलिंग दिस अपडेट। इसको अपडेट को अनइंस्टॉल करने से पहले अपना बैकअप बना लिया इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग ड्यूरिंग द
प्रोसेस, इसलिए सेफ्टी पर्पस से, जिससे कि आपका कोई चीज गायब ना हो और आपका डेटा बचा रहे। द लेटेस्ट विंडो 10 अपडेट कैन मेक योर प्रिंटर क्रैश योर पीसी। अब आपको ये प्रॉब्लम, लेटेस्ट विंडो अपडेट हैज बीन कॉजिंग प्रॉब्लम बता चुके हम। बहुत से यूजर इस एरर को पा रहेंगे। मैसेज लाइक योर पीसी रैन इनटू प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रिस्टार्ट, योर पीसी रैन इनटू प्रॉब्लम एंड नीड्स टू स्टार्ट। तो आपको प्रॉब्लम अगर आती है तो उसमें इस तरह की एरर आएगी। कब आएगी? जब आप प्रिंटिंग के लिए कहिएगा विंडो वर्ड या नोटपैड या कुछ खोलिएगा, तब इस तरह की एरर आएगी। नाउ माइक्रोसॉफ्ट अवेयर ऑफ दिस एंड लेटेस्ट अपडेट इज ब्लू स्क्रीन द पीसी एंड हैज लिस्टेड द बग ऑन विंडो 10 सपोर्ट पेज। विंडो 10 के सपोर्ट पेज पे इन्होंने बोल दिया है कि आप ब्लू स्क्रीन मिलेगा जब आप इस तरह का प्रिंटिंग करिएगा, सो बी अलर्ट एंड अवॉइड इट। हाउएवर दे डू नॉट हैव अ फिक्स फॉर दिस एट अ मोमेंट, वी आर प्रेजेंटली इन्वेस्टिगेटिंग एंड विल प्रोवाइड एन अपडेट व्हेन मोर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल द वेबसाइट स्टेट। उन्होंने कहा अभी तक इसका कोई सलूशन नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। At this point in time, it is not clear how widespread the issue is, but according to Windows latest, there are numerous reports of errors and bugs seems to have impacted printer or multiple run. कितना ये फैल चुकी error नहीं पता, लेकिन काफी लोगों ने इसको complain किया है। One reader told Windows latest that there have been at least 20 confirmed cases for 4 different client on R into the day. उन्होंने कहा कम से कम 20 कंफर्म केसेस हैं जिसमें इस तरह की एरर मिली है। विंडो यूजर हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट दिस इशू ऑन रेडिट टू, एंड रेडिट यूजर मेंशन दैट द इशू वाज कंफर्म्ड अक्रॉस 4 कंप्यूटर्स। अनदर पर्सन सेड दैट दे गो 3 कॉल्स फॉर क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग द सेम इशू। If you are getting blue screen post, the latest update easier fix for now is to roll back to the last update for this. उन्होंने कहा इसका सबसे अच्छा solution है कि आप roll back करिए। Roll back means होता है कि आपने जो latest information update की है, जो latest change किसी program में आप करते हैं, उसको वापस जब कर देते हैं और पुराने version पे आ जाते हैं, तब उसको हम roll back कहते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन ओरेकल में भी मिलती है, जिसमें फैसिलिटी मिलती है रोल बैक की। वही वो बता रहा है कि आप उस अपडेट को फिक्स करने के लिए क्या करिए। गो टू सेटिंग, सबसे पहले सेटिंग में जाइए, फिर क्लिक ऑन अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाइए, फिर क्लिक ऑन विंडो अपडेट में जाइए, गो टू व्यू अपडेट हिस्ट्री करिए, नाउ क्लिक अन इंस्टॉल अपडेट एंड अन इंस्टॉल, और यू कैन रिमूव द पैच मैनुअली इन कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है? जब आप सीएमडी रन में लिखते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच जाते हैं। डॉस जब हम लोग पढ़ाते थे तो उसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे सारे कमांड हम लोग पढ़ाते थे। आजकल तो लोग बस क्लिक करके सब काम कर लेते हैं, तब हम लोग कमांड्स रटते थे तो कमांड सब पता होते थे, और आजकल के लोगों को उतनी कमांड्स नहीं पता होते हैं, वो लोग सिंपल क्लिक करके करते हैं। तो वहां जाकर सीएमडी पर डिलीट उस अपडेट को करना पड़ेगा, जिसके लिए लिखना पड़ेगा डिलीट प्लस लिंक का नाम, तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी। सम रेडिट यूजर्स हैव सेड दैट द वर्क अराउंड हैज फिक्स्ड देयर प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को इसी तरह से सॉल्व किया। There is also a Reddit user claiming to be a Microsoft employee who has posted 2 temporary workarounds. One is the enable direct printing in the command prompt or use a compatibility administrator tool to apply to fix depending on the application you are running. बहुत से लोगों ने अब प्रिंटिंग के बिना तो काम चल नहीं सकता, तो उन लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट से प्रिंट करना शुरू किया। तो कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे प्रिंट करते हैं? पीआरटी कमांड होता है प्लस फाइल नेम होता है। जब आप पीआरटी और फाइल नेम दीजिएगा तो आपकी फाइल डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। और
प्रिंटिंग कमांड वर्ड में नहीं देना पड़ेगा. वो दिस वर्क अराउंड आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड दो, सो रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली. अब ये हर कोई नहीं कर सकता है, जिसको कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना आता होगा वो कर सकता है, या तो फिर अनइंस्टॉल करने से पहले बैकअप बनाकर उसको अपडेट सिक्योरिटी में जाकर विंडो अपडेट के जो पैच है उसको विंडो के अपडेट हिस्ट्री में से हटाना पड़ेगा. या तो वहां से करेंगे या तो कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट उस पैच को डिलीट कर देंगे. जब हम डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, वो अपडेट जो होगा खत्म हो जाएगा और वापस हम पुराने वर्जन पे आ जाएंगे, तो जिससे कंप्यूटर एज इट इज वर्क करने लगेगा. लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज किसी अपने वेंडर्स को कंसल्ट करिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करिए. सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.